पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। यहाँ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आबकारी निवासी एक मंदिर के पुजारी रविंद्र शर्मा की बेटी पूजा शर्मा ने परिवार के साथ ही अपने जिले का नाम भी रोशन किया है। तभी तो आज प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पूजा शर्मा के घर पहुंचकर उन्हें माँ सरस्वती की प्रतिभा भेंट कर शुभकामनाएं दी। एक बेहद साधारण परिवार की बेटी पूजा शर्मा PCSJ 2018 की परीक्षा पास करके सिविल जज बन गई है। पूजा शर्मा के पिता सदर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में पुजारी हैं। सिर्फ मंत्री जी ही नहीं बल्कि पूजा शर्मा ने जिन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है उनके अध्यापक गुरुजन आदि भी बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच गए। उन्होंने पूजा शर्मा की माता जी ममता शर्मा और मंत्री जी से बात करने के साथ ही जज बनी पूजा शर्मा से भी बात की। मुजफ्फरनगर से शाहिद अब्बासी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। मंत्री जी, आज आप पूजा जो अचीवमेंट किया है जज बनी है, किस तरह का आपको खुशी हो, क्या समझ? ये पूजा शर्मा हमारे परिवार की बच्ची है और इसने सिविल जज के लिए PCSJ ये क्वालिफाई करके मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। अपने विद्यालय जिसने इंटरमीडिएट किया भागवंती विद्या मंदिर, वहाँ से 12th पास किया, फिर यहाँ SJ से इंटीग्रेटेड लॉ किया, वहाँ से किया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इनके पिताजी हैं उन्होंने हमारा सदर बाजार ऑफिस है वहाँ मंदिर में पुजारी हैं। यानी बहुत साधारण परिवार की बेटी जिसे पढ़ लिख कर आप घर देखिए, मोहल्ला देखिए, क्षेत्र देखिए, पढ़ाई का माहौल है और ना उतना यहाँ लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, उसके बावजूद भी साधारण परिवार में जन्म लेकर के और स्वयं की प्रेरणा से यहाँ तक पहुँचना, इसलिए मैं इसका सम्मान करने के लिए माननीय अनु खंडेवाल जी हमारे प्रधानाचार्य और हमारे सब कार्यकर्ता का सम्मान करने यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि साधारण परिवार से यहाँ तक पहुँचना ये किसी बालिका के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की है, मेरे परिवार की है, मेरी बेटी समान है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए इसका अभिनंदन करने के लिए मैं घर आया हूँ और इससे और हमारी बेटियाँ प्रेरणा ले सकें, ऐसी मेरी कल्पना है। जी, मेरा नाम ममता है, ममता शर्मा, मैं पूजा शर्मा की मम्मी हूँ। जी ममता जी, आज आपकी बेटी जज बनी है, सिविल जज की पास आउट करके जज बनी है, किस तरह फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये बस आपको बता नहीं सकती, मेरे अंदर से कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन मेरी बच्ची ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या करती है? बस घर में ही, घर के कार्य रहते, कुछ नहीं, हाउसवाइफ। पति क्या करते हैं? वे पंडित जी हैं, पुजारी। कितने साल से क्या ये? काफी साल से हैं। प्रॉब्लम आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले कई बार? हाँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। पंडित जी भी यहीं से? हाँ जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी बच्चों को यहाँ तक पहुँचने? बस मेहनत तो पूरी ही थी, बच्चों को किसी चीज़ का कष्ट नहीं होने दिया, इनको जाहिर भी नहीं होने दिया कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन बच्चों को पूरा आराम से हमने जितना इनको सहयोग मिल सका मैंने इनको सहयोग दिया, इनको कुछ महसूस नहीं होने दिया, तो मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। और जिस दूसरे परिवारों के लिए क्या कहना चाहती है, जो मतलब मिडिल क्लास के होते हैं और बच्चों को पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों पर पूरा ध्यान दें कि बच्चे अपने काम को जो उनका मन है, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उनको यही करना चाहिए। मेरे परिवार में कोई नहीं था ऐसा, कोई लॉ के चक्कर में इसमें, लेकिन मैंने मेरी बच्ची का मन था कि मैं यही करूंगी, तो मैंने उसको वही कराया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चों को जो मन करे उसको वो करने दीजिए। कितनी बेटियां हैं? मेरी दो लड़कियां हैं, दो बेटे। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा जी, क्या अचीवमेंट किया है आप? मेरा UP जुडिशियल सर्विसेज 2018 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सभी को मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, सबसे पहले गॉड को, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और फिर अपने पेरेंट्स को और फिर सभी टीचर्स और जिन्होंने भी हेल्प किया, सबके लिए बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ। कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई? मैंने 12th यहीं भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से किया है और लॉ मैंने SD कॉलेज ऑफ लॉ मुजफ्फरनगर से ही किया है और उसके बाद 2017 में मेरा 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स था, BLLB, वो कंप्लीट हुआ और 2018 में मैं अपीयर हुई और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ। आज आपको राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी सम्मानित करना है, किस तरह फील हो रहा है और क्या आप कहना चाहती हैं मंत्री जी के बारे में? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फर्स्ट ऑफ ऑल
एंड आई जस्ट वांट टू गिव थैंक्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही रियली इट्स अ वेरी अचीविंग मोमेंट फॉर मी एंड इट्स वेरी अमेजिंग मोमेंट. इसका श्रेय किसको देना चाहिए आप? सारा श्रेय, सभी पूरा श्रेय अपने माता पिता को, टीचर्स को, पेरेंट्स और मेरे ईश्वर को और सभी व्यक्ति जिन्होंने भी मेरा सहयोग दिया. पूजा जी, आज आप अचीवमेंट इतना अच्छा किया है, मुजफ्फरनगर के लिए नाम रोशन किया है, तो जो और भी स्टूडेंट है उनके लिए क्या कहना चाहती है? मैं एक ही मैसेज दूंगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना फोकस, आप ड्रिफ्ट ना करें. अगर आप फोकस को लगाते हैं एक किसी अपने लक्ष्य पे, तो फिर कितनी भी हर्डल्स आए, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी हर्डल्स इन योर वे, आप अपने बिग पिक्चर को ध्यान में रखें और फिर कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स करते रहें, वो आपको अचीवमेंट ज़रूर दिला देगी. एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है, लेकिन उस चीज़ को दरकिनार करके अगर हम अपनी स्ट्रैटेजीज और प्रिपरेशन पे ध्यान लगाएंगे तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होता है और ज़्यादा आसानी से हमें सफलता मिल जाती है. क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पिताजी एक पुजारी और उन्होंने बहुत ही हमेशा से प्रेरित किया है, पढ़ाई से सब कुछ संभव है और इसलिए हम सभी बहन भाई हमेशा से बहुत पढ़ाई को लेकर सजग रहे. और मैं सभी से कहूँगी कि पढ़ाई से बहुत चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं, तो ज़रूर अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं और हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि वो, उसको एक शिक्षा का अधिकार है कि जो उसको मिले उस चीज़ को हमें इंश्योर करना चाहिए. कितने परिवार में फैमिली मेंबर, कितने बहन भाई हैं? वी आर द सिक्स मेंबर्स इन द फैमिली. कितने बहन है, कितने भाई? वी आर टू सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अचीवमेंट किया जी, आई एम द एल्डेस्ट वन. थैंक यू.